हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में आज हम जानने वाले हैं कि गर्भावस्था के दौरान हमारे शिशु का रंग काला क्यों हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आज के वीडियो में आज हम जानने वाले हैं कि गर्भवती स्त्री के पेट में पल रहा बच्चा काला क्यों पड़ जाता है, किन वजहों से उसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है गर्भावस्था के दौरान। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहती हैं और आप भी चाहती हैं कि आपका आने वाला बेबी एकदम सुंदर राजकुमार जैसा हो, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमारी कुछ गलतियां हमारे बच्चे की स्किन पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती हैं। तो इस वीडियो को पूरा आप ज़रूर देखिएगा अगर आप प्रेग्नेंट हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा आप लोगों के लिए हेल्पफुल कंटेंट आते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों हर कोई चाहता है कि उसका आने वाला बच्चा एकदम गोरा चिट्टा राजकुमार जैसा पैदा हो। दोस्तों वैसे तो हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा सुंदर पैदा हो, लेकिन दोस्तों माँ के लिए बच्चा काला हो या फिर गोरा हो, दोनों ही एक समान होते हैं। लेकिन दोस्तों माना जाता है कि अगर माता पिता का दोनों का कलर फेयर है, कहने का मतलब माता पिता का कलर एकदम गोरा चिट्टा है, तो बेबी होने वाला बेबी का कलर भी फेयर ही होता है। वहीं अगर माता पिता का कलर डार्क या सांवला है, तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि आने वाला बच्चा भी सांवला ही पैदा होता है या फिर काला पैदा होता है। वहीं अगर माता पिता में से किसी एक का रंग गोरा है और किसी एक का रंग काला है, तो होने वाला बेबी काला भी हो सकता है, मतलब सांवला भी हो सकता है और गोरा भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ठीक है, तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि किन वजहों से हमारे बच्चे का कलर डार्क होने लगता है। दोस्तों माना जाता है कि गर्भावस्था के दौरान अगर गर्भवती स्त्री अपनी डाइट में काली चीज़ों को खाना ज़्यादा पसंद करे, कहने का मतलब अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान काले अंगूर का सेवन करती हैं या फिर काले जामुन का सेवन करती हैं या फिर जामुन का सेवन करती हैं या फिर खाने वाले जो गुलाब जामुन होते हैं उनका आप सेवन करती हैं, तो दोस्तों आने वाला बच्चा काला पैदा होता है। माना जाता है कि गर्भावस्था के दौरान काली चीज़ें खाने से हमारे बच्चे के स्किन पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, इसलिए हमें गर्भावस्था के दौरान काली चीज़ों का सेवन कम से कम करना चाहिए। वहीं पॉइंट नंबर 2, दोस्तों माना जाता है कि अगर कभी भी सूर्य ग्रहण पड़े तो कभी भी गर्भवती स्त्रियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि उसकी जो हानिकारक तरंगें हमारे बच्चे की स्किन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। इसलिए कभी भी भूल कर भी, गलती से भी, आपको गर्भावस्था के दौरान सूर्य ग्रहण जब पड़ रहा हो तो बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। आपको हमेशा कमरे में बंद होकर बैठना चाहिए और भगवान का नाम जपते रहना चाहिए। खिड़की और दरवाजे तुरंत बंद कर लेने चाहिए। दोस्तों माना जाता है कि अगर आपके बच्चे पर कोई भी हानिकारक तिरंगे पड़ जाएं, सूर्य ग्रहण की हानिकारक तरंगें पड़ जाएं, तो बच्चा विकलांग भी हो सकता है, साथ साथ उसका कलर भी बहुत ज़्यादा काला हो सकता है। पॉइंट नंबर 3, दोस्तों माना जाता है कि गर्भवती स्त्रियां अगर अपनी डाइट में अच्छी अच्छी चीज़ों को शामिल नहीं करेंगी तो उनके बच्चे का भी कलर डार्क हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप अपने खाने में अच्छी चीज़ों को शामिल नहीं करेंगी तो आपके बच्चे का कलर भी काला पड़ सकता है। वहीं अगर कम मात्रा में पानी पिएंगी, बहुत ही कम पानी पिएंगी प्रेगनेंसी में, तो भी आपके बच्चे का कलर डार्क हो सकता है, काला हो सकता है। इसलिए कभी भी प्रेगनेंसी में आप कम पानी मत पिएगा, भरपूर मात्रा में पानी का सेवन ज़रूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, और अपनी डाइट में अच्छी अच्छी चीज़ों को शामिल करें जिसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता हो। हरी सब्जियों का सेवन ज़रूर करें, जिससे कि आपका बच्चा हेल्दी रहे। हेल्दी होने के साथ साथ उसका कलर भी फेयर हो।
कलर फेयर होने के लिए दोस्तों आप दिन में 1 से 2 ग्लास दूध केसर डालकर ज़रूर पिएं। इससे आपके बच्चे को कलर में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा अगर आप केसर वाला दूध का सेवन करेंगे तो। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किन वजहों से हमारे बच्चे का कलर काला हो जाता है। तो दोस्तों आप चाहे तो आप अपनी डाइट में अच्छी चीज़ों को शामिल कर सकती हैं और आपके बच्चा हेल्दी होने के साथ साथ गोरा चिट्टा भी पैदा ज़रूर होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।